हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के यूपी स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को समझेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी नहर हैं जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है और उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार चलती है। तो आज का हमारा टॉपिक ये होने वाला है। इसके अलावा यूपी स्पेशल पर काफ़ी सारी क्लासेज आपकी आ चुकी हैं और उनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यूपी स्पेशल का पोर्शन हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर घटना चक्र उत्तर प्रदेश तथ्य सार के माध्यम से। ये मैगजीन 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हमने यूपी स्पेशल सीरीज़ के अलावा यूपी स्पेशल करंट अफेयर को भी काफ़ी अच्छे से कवर किया है, उनकी भी क्लासेज आ चुकी हैं जो आपको यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था। चलिए समझते हैं। कृषि की सफलता विभिन्न फसलों के लिए जल उपलब्धता पर निर्भर करती है। आप सभी को पता है कि कृषि के लिए जल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, अतः जल का भंडारण एवं उसका सदुपयोग राष्ट्रीय महत्व का विषय है। सर्वप्रथम 1823 में प्रथम सिंचाई कार्यालय सहारनपुर में खोला गया था। ये आपको याद रखना है कि प्रथम सिंचाई कार्यालय कब और कहाँ खोला गया था, तो ये 1823 में सहारनपुर में खोला गया था। 1830 में पुनरुद्धार के पश्चात पूर्वी यमुना नहर, 1854 में ऊपरी गंगा नहर, 1878 में आगरा नहर, 1878 में ही निचली गंगा नहर का निर्माण संपन्न हुआ था। 1885 में झांसी, जालौन और हमीरपुर जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बेतवा नहर का निर्माण किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तथा स्वतंत्रता के पश्चात प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विकास तीव्र गति से हुआ है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कब कौन सी नहर का निर्माण किया गया है। जैसे अभी हमने देखा कि 1830 में पूर्वी यमुना नहर बनी आपकी, 1854 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया गया, 1878 में आगरा नहर बनाई गई, 1878 में ही निचली गंगा नहर का निर्माण संपन्न हुआ और 1885 में आपने देखा कि झांसी, जालौन और हमीरपुर जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बेतवा नहर का निर्माण किया गया। तो आप यहाँ पर यह भी याद रख सकते हैं कि कौन सी नहर का निर्माण कब किया गया था और कौन सी नहर के द्वारा कौन से जिले की सिंचाई की जाती है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको याद करते हुए चलना है। देखिए, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बुआई क्षेत्र से प्रतिशत 87.0% है। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 162.4% है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का शुद्ध निवल सिंचित क्षेत्रफल लगभग 144.16 लाख हेक्टेयर है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सकल सिंचित क्षेत्र 229.94 लाख हेक्टेयर है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल सृजित सिंचाई क्षमता 370.32 लाख हेक्टेयर है, जबकि प्रदेश में सकल सिंचाई क्षमता का उपयोग 301.22 लाख हेक्टेयर है। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं जो एक जनरल आइडिया के लिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका आगे से आएगा। देखिए, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश में बाढ़ एवं वर्षा से प्रभावित कुल क्षेत्रफल आप देख सकते हैं इतना है। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ये फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि पूरे देश में नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन से राज्य के अंदर की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि पूरे देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश का 15.1% भूभाग नहरों द्वारा, 73.4% भूभाग नलकूपों द्वारा, 8.6% भूभाग कुओं द्वारा, 0.6% भूभाग तालाबों, झीलों एवं पोखरों द्वारा तथा 2.3% भूभाग अन्य स्रोतों द्वारा सिंचित होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी चीज़ का कितना योगदान है सिंचाई के क्षेत्र में, और सबसे ज़्यादा योगदान आपने देखा यहाँ पर नहरों का है, 73.4%। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश के मेरठ, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद और आप देख सकते हैं इन सभी जिलों को यहाँ पर, तो आदि जिलों में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इन सभी जिलों में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ आदि जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील सिंचाई नहरों की लंबाई 2021-22 में देखिए। इसके अलावा सर्वाधिक नहरें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। चलिए अभी स्पेसिफिक नहर की बात करेंगे, सभी नहरों को अच्छे से डिटेल में अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहले है आपके सामने पूर्वी यमुना नहर। अभी पूर्वी यमुना नहर के बारे में हमें देखना है। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएँ तट से ताजेवाला यमुना नगर हरियाणा से निकाली गई है। तो आपको देखना है कि इसको कहाँ से निकाला गया है। देखिए यह नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। यह नहर मुगल काल में निर्मित हुई थी। शाहजहां के शासनकाल में अली मर्दान खान ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी तथा संभवतः मोहम्मद शाह के समय इसे निर्मित किया गया था। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड 1719 से 1748 ईस्वी का माना गया है। ब्रिटिश काल में इसका पुनरुद्धार किया गया तथा पुनरुद्धार के पश्चात 1830 ईस्वी में इस नहर को प्रथम बार प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा पूर्वी यमुना मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। पूर्वी यमुना नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जिलों में सिंचाई की जाती है। इस नहर प्रणाली से निरंतर जलापूर्ति हेतु ताजेवाला बैराज यमुना नगर हरियाणा के निकट हथिनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया है। दूसरी नहर है आपकी आगरा नहर। चलिए आगरा नहर को अच्छे से समझते हैं। आगरा नहर का उद्गम यमुना नदी के दाहिने तट से ओखला में है। आगरा नहर यमुना नदी से निकाली गई है। इसका निर्माण पूरा कर इसे 1878 में प्रारंभ किया गया था। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के अनुसार कतिपय स्रोतों में इसका प्रारंभ वर्ष 1874 भी मिलता है। आगरा नहर तंत्र की कुल लंबाई 1874 किलोमीटर जबकि आगरा मुख्य नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। आगरा नहर उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद और राजस्थान के धौलपुर एवं भरतपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है आपकी ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर को समझते हैं। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल हरिद्वार, उत्तराखंड में है। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 6496 किलोमीटर है जबकि मुख्य नहर की लंबाई 298 किलोमीटर है। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। इसके अलावा इस परियोजना के जनक कर्नल सर पीटी कोटली थे। इस नहर में प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 को पानी छोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपकी निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरोरा, बुलंदशहर में है। निचली गंगा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 8278 किलोमीटर है। निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर वर्ष 1878 में इसे शुरू किया गया। निचली गंगा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर एवं प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है आपकी शारदा नहर। देखिए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर है, तो ये पॉइंट आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसे आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर है। खटीमा जल विद्युत स्टेशन शारदा नहर पर स्थित है और ये कहां पर है? उत्तराखंड। शारदा नहर का उद्गम स्थल बनबासा, उत्तराखंड नेपाल सीमा पर टनकपुर के निकट स्थित है। शारदा नहर परियोजना का निर्माण वर्ष 1918 में प्रारंभ हुआ तथा 1928 में इससे जलापूर्ति प्रारंभ हुई। शारदा नहर तंत्र की कुल लंबाई 9961.3 किलोमीटर है।
शारदा नहर तंत्र से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है आपकी शारदा सहायक परियोजना। चलिए शारदा सहायक परियोजना को समझते हैं। शारदा नहर प्रणाली के निचले भाग में स्थित जिलों में जल की कमी को पूरा करने और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु घाघरा नदी के जल का उपयोग करते हुए 1968 से 1969 में शारदा सहायक परियोजना का निर्माण प्रारंभ हुआ तथा इस परियोजना के तहत सर्वप्रथम 1974 में जलापूर्ति शुरू हुई। इस परियोजना से लाभान्वित जिले हैं लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर एवं बलिया। इसके अलावा अन्य प्रमुख नहरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले है आपके सामने बेतवा नहर, जिसे 1885 में बनाया गया था। तो बेतवा नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन एवं हमीरपुर जिलों की सिंचाई की जाती है। इसे सिंचाई के लिए प्रथम बार वर्ष 1886 में शुरू किया गया था। रामगंगा नहर, नेक्स्ट है आपकी रामगंगा नहर। रामगंगा नहर से उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद एवं रामपुर जिलों में सिंचाई होती है। नेक्स्ट है आपकी सरयू नहर। सरयू नहर से प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर एवं बस्ती जिलों में सिंचाई की जाती है। गोकुल बैराज, गंगाजल बैराज, लवकुश बैराज तथा आगरा बैराज पेयजल परियोजनाएं हैं। गुरसराय एवं मंदर नहरों का उद्गम स्थल माता टीला बांध है। देखिए नेक्स्ट है आपका सपरार नहर। सपरार नहर द्वारा झांसी व हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। धसान नहर से हमीरपुर जिले में सिंचाई होती है। अर्जुन सहायक परियोजना की नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा एवं हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। बेलम नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सिंचाई की जाती है। नंगवा बांध की नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है केन नहर। केन नहर से बांदा जिले तथा गंडक नहर से गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज जिलों में सिंचाई होती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने समझा उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था और कौन कौन सी प्रमुख नहरें हैं जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं के बारे में समझेंगे और इसी प्रकार से ये सीरीज आपकी जारी रहेगी। आपको डेली क्लासेस को फॉलो करना है और इसी के साथ में अपने शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा उपयोगी साबित होंगे और इनको बार बार रिविजन करना है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.